हत्यारे टीचर की जो कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बात कर रहे हैं कोटा की, 15 साल की छात्रा की हत्या का पूरा मामला है। कोटा पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गौरव जैन की गिरफ्तारी के लिए कोटा पुलिस ने लगाई है 4 डिप्टी, 9 SHO की बड़ी टीम लगाई है। आरोपी पर लगातार जो शिकंजा यहाँ पर कसने की कोशिश की जा रही है। 1,00,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। व्यापार महासंघ ने कल शहर बंद की चेतावनी भी इस पूरे मामले को लेकर दी है। अरे बिठाओ ना सबको, बिठा लो ना भी। तो पुलिस टीम लगा दी गई है, पूरी ताकत झोंक दी गई है। और ग्राफिक्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के रहे समझिए आखिर ये पूरा मामला क्या। देखिए रविवार का पूरा मामला किस तरीके से, ट्यूशन पढ़ने के लिए कुछ छात्रा गई और फिर वापस नहीं लौटी। पिता टीचर के घर पहुंचे तो ताला यहाँ पर लगा हुआ मिला। उसके बाद आरोपी टीचर गायब मिला। पुलिस ने स्कूटी बरामद कर ली है टीचर की। और उसके बाद दोपहर 1 बजे का वक्त है जब छात्रा अपने घर नहीं पहुंची और उसके बाद से लगातार संदेह परिवार को लगा। कमरे के अंदर छात्रा फंदे से लटकी मिली थी, देखिए। और आगे आपको बता दें कि टीचर जो है गायब बताया जा रहा है। स्कूटी बरामद कर ली गई है। पुलिस को अब कमांड के कैमरों से आरोपी की कुछ तस्वीरें भी हाथ लगी हैं। अरे बिठाओ ना सबको, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने आरोपी पर इनामी राशि 1,00,000 कर दी है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु अपडेट क्या है? देखिए मणि, निश्चित तौर पर अब ये जो मामला है इसके साथ में पूरा शहर है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज चौथा दिन है, पुलिस जो आरोपी ट्यूशन टीचर है उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। करीब करीब 29 टीमें बनाई हुई हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में करके आरोपी टीचर की जो तलाश है वो कर रही है। जहां पर भी वो जा सकता है, होटल सराय या फिर कोई धर्म स्थल की बात की जा रही है, जैन टेम्पल्स की बात की जा रही है, उन तमाम जगहों पर जाकर के पुलिस जो सघन तलाशी है वो कर रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के व्यापार महासंघ की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि अगर आज में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल कोटा बंद किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें कि व्यापार महासंघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जी मीडिया को बताया कि अगर आज में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल कोटा बंद किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब ये जो पूरा मामला है वो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हिमांशु क्या समझा जाए इस मामले को लेकर? कई दिन बीत चुके हैं, इतनी टीमें लगा दी गई हैं, इनामी राशि बढ़ा दी गई है, चेतावनी जो है वो दे दी गई है। चलिए शुक्रिया आपका हिमांशु, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ज्यादा जानकारी के लिए फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद।